कि DNT न्यूज के माध्यम से अब आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें। गया नगर निगम के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के 10वें दिन मंगलवार को वार्ड संख्या 31, 33, 34 और 35 के विभिन्न मोहल्लों में चलाया गया। मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान, डिप्टी मेयर अखौरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव, स्थानीय पार्षदों ने स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया। वहीं अभियान में सुप्रसिद्ध लोक गायिका देवी भी शामिल रही और विभिन्न जगहों पर अपने गीत संगीत के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। पुलिस लाइन व गया कॉलेज खेल परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में रही महिलाओं के आग्रह पर चैती छठ के नहाए खाए के अवसर पर लोक गायिका देवी ने छठी मैया की गीत गाई, जिससे वहां उपस्थित लोग झूम उठे। इस मौके पर देवी ने कहा कि नगर निगम की पहले काफी तारीफें हैं। गया में भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन निगम के जनप्रतिनिधि अधिकारी सफाई कर्मी सड़कों पर पैदल चलकर स्वच्छता के प्रति सहयोग मांग रहे हैं। इस पहल से गया शहर को गया जी में बदला जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह तभी संभव हो सकता है जब यहाँ के हर एक नागरिक इसमें अपनी सहभागिता निभाए और कुछ लोगों को जागरूक कर पाए, तो हम मुझे लगता है कि एक जिसको बोलेंगे कि एक लाइफ में एक सेटिस्फैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। कार्यक्रम तो हम लोग करते रहते हैं, गाने बजाने का प्रोग्राम करते हैं, लेकिन ये जो अभियान है अपने आप में एक भारतीय सारे नागरिकों के लिए बहुत ही प्रेरणा वाला जिसको कह सकते हैं वो है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ नगर निगम गया को, जिस तरह से मतलब काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और वो रियल में कर रहे हैं। मतलब ऐसा होता है कि बहुत सारी जगह पे ऐसा लगता है बातें हो रही है, लेकिन मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ कि जिस तरह से मेयर साहब और उप मेयर साहब जिस तरह से लगे हुए हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनें आई हुई हैं जो कि बहुत अच्छे से गया को क्लीन कर रही है, इवन कूल भी कर रही है, अभी पानी के भी फुहारे दिए गए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और साथ ही साथ गया डेफिनेटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, सभी जानते हैं गौतम बुद्ध की धरती है जहाँ मोक्ष प्राप्त हुआ है, पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं। तो हम सभी का कर्तव्य बनता है कि गया का जो रिस्पेक्ट है वो बना रहे, गया को हम लोग गया जी के नाम से जाने और सारे लोग सहयोग करें। पब्लिक का सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे जितना भी मशीन आ जाए, विदेशों से मशीन आई है सफाई के लिए, लेकिन जब तक पब्लिक उसमें कॉपरेट नहीं करेगा, पब्लिक जब तक अवेयर नहीं होगा कि गंदगी को हमें डस्टबिन में डालना है, ये सारे अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के लिए। और वंस अगेन पब्लिक का साथ बहुत मिल रहा है इस ठंड में, मतलब इस गर्मी में, सॉरी गर्मी में। आप पत्रकार बंधु भी खड़े हैं हमारे, वो मेयर उप मेयर वार्ड पार्षद सारे लोग, ओम प्रकाश जी हैं, निगम कर्मी है, सफाई कर्मी सब लगे हुए हैं और खासकर आप पत्रकार लोग भी इतने देर तक यहाँ बने रहे, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कामना करती हूँ कि ये जो अभियान है बहुत अच्छे तरीके से सफल हो। डिप्टी मेयर ने कहा कि गया एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जिस कारण यहां के लोगों का भी कर्तव्य है शहर को साफ सुथरा रखे, ताकि यहां आने वाले तीर्थयात्री एक बेहतर अनुभव लेकर वापस अपने शहर को लौटे। अभी भारत सरकार का स्वच्छता सर्वेक्षण टीम गया शहर का सर्वे कर रही है, जिस वजह से यहाँ के प्रत्येक नागरिकों से अपील है कि शहर को साफ सुथरा रखने में नगर निगम को सहयोग करे। तमाम जनप्रतिनिधि कर्मचारी और अधिकारी भीषण गर्मी में भी काम पर लगे हुए हैं, जो काबिले तारीफ है। उन्होंने गया के लोगों से अपील की है कि नगर निगम के इस सकारात्मक प्रयास में सहयोग करेंगे। इस मौके पर पार्षद ओम प्रकाश सिंह नागमणि, मंजर हुसैन, विपिन कुमार सिन्हा, बादशाह वसीम नैयर सहित अन्य मौजूद थे। चौंतीस, 35, 36 में ये अभियान चल रहा है, जिसमें कड़ाके की गर्मी में भी पूरे गया शहर वासियों का अपार भीड़ लग रहा है। और पुष्प के द्वारा इस अभियान को, इस बार गया शहर को एक नंबर पर लाने के लिए जो हम लोग, हमारे उप महापौर, हमारे नगर निगम के कर्मचारीगण, गया वासी, नगर निगम के सभी कर्मचारीगण,
जिस तरह से कड़ाके गर्मी में इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं गायिका देवी जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने कड़ाके की गर्मी में भी जो रोड पर खुद उतर के इतना दूर दूर तक चल रही है, इसके लिए भी उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जिस तरह से गया शहर में यह अभियान को सफल बनाने के लिए यह अभियान चल रहा है, हमको पूर्ण विश्वास में है कि इस बार गया 1-10 में निश्चित आएगा। इसके लिए हम लोग पूरा गयावासी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।